जाया गया है पूरे कार्यालय को, और आप देख सकते हैं कि सबका कटआउट लगा हुआ है। भूपेंद्र यादव, अमित शाह, राजनाथ सिंह, एक तमाम लोगों के कटआउट्स हैं। आपको कोने में सुशील कुमार मोदी का भी कटआउट दिखाई देगा, जो कि कोने में चला गया है। आपको पता ही है जिस तरीके से उनको उप मुख्यमंत्री पद से हटाकर कहीं और मौका देने की कोशिश की जाए। ये बताइए कि जो सुशील मोदी जी, क्योंकि एक पूरा चेहरा थे बिहार के बीजेपी के, उनको इस तरह से करने से पार्टी पर क्या असर पड़ा, पार्टी के लोग क्या सोचते हैं? देखिए, सुशील जी तो नेता हैं, नेता रहेंगे ही, और सुशील कुमार मोदी बिहार के एक इस्टेब्लिश लीडर हैं। तो संगठन में बीजेपी को जब हम बोलते हैं पार्टी विथ ए डिफरेंस, पार्टी विथ ए मिशन और पार्टी विथ आइडियोलॉजिकल मूवमेंट, तो दायित्व समय समय पर मिलता है। और ख़ास करके फिनांस के एक्सपर्टीज़ हैं सुशील कुमार मोदी जी, देश में चाहे वो GST का मामला रहा हो या और चीज़ें रहा हो, तो उनके अनुभवों का तो लगातार। ये पार्टी कोई वन मैन शो वाली पार्टी तो है नहीं, ये कोई परिवार वाली और वंश वाली तो पार्टी है नहीं। सुजीत, एक बार फिर से जरा वो तस्वीरें, सुशील कुमार मोदी की का जो कटआउट है उसको कैसे कोने में पहुंचा दिया गया है? एक तो कुर्सी भी डिप्टी सीएम के लिए ले, कटआउट भी सही जगह नहीं लगा, और दूसरा सवाल, जिन संभावित 7 चेहरों के नाम आपने भेजे हैं, मैं चाहूंगी एक बार उसका जिक्र भी आप जरूर करें। बिल्कुल, तो ये आप कटआउट देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं, इसलिए सजाया सवारा गया है पार्टी ऑफिस को, सबके कटआउट्स लगे, लेकिन सुशील कुमार मोदी का आप देखिए ये कोने में कटआउट। ये कटआउट कल तक सामने हुआ करता था, आप जितने भी पोस्टर देखेंगे उसमें सुशील मोदी का चेहरा जरूर सामने रहता था, लेकिन आज ये कोने में है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालांकि सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है, और लोगों को पार्टी में भी, बीजेपी के पार्टी के नेताओं को भी काफ़ी आश्चर्य लगा नेतृत्व के इस फैसले से। तो सब उस फैसले को लेकर थोड़ा हतप्रद हुए, लेकिन फिर भी कि पार्टी का फैसला है, केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है, तो उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमने बहुत सारे JDU नेताओं से बातचीत की, JDU को भी लगता है कि ये जो रिप्लेसमेंट होना चाहिए, जो परिवर्तन अगर बेहतर के लिए हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। जहाँ तक संभावित मंत्रियों का सवाल है, तो संभावित मंत्री में तारकिशोर प्रसाद और रेणु